हेलो गाइस, आज फिर से आगे टिकटॉक के वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, स्लोमो और ट्रांजेक्शन इफेक्ट वाले वीडियो आप किस प्रकार बना सकते हैं। यदि आप टिकटॉक ओपन करेंगे तो आपको टिकटॉक में 70 से 80% वीडियो आपको स्लोमो और ट्रांजेक्शन इफेक्ट वाले वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ आप अपने वीडियो में स्लो मोशन और ट्रांजेक्शन इफेक्ट और ट्रांजेक्शन साउंड कैसे ऐड कर सकते हैं और इस तरह के प्रोफेशनल वीडियो बना सकते हैं। इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले 2 से 3 वीडियो शूट कर लेना है 4 से 5 सेकंड तक। जब भी आप वीडियो शूट करेंगे तो आउटडोर वीडियो शूट कर लेना है और वीडियो आपको अलग अलग एंगल में शूट करना है। जब आप वीडियो शूट कर लेंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक और काइन मास्टर अप्लीकेशन का भी लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको वहां से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको जेनुइन कंटेंट मिलता है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन से काइन मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे सिंपल बैकग्राउंड ब्लैक कलर का सेलेक्ट कर लेना है। इस बैकग्राउंड को 10 से 12 सेकेंड तक कर लेना है। इसके बाद डन करते हैं। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, मैंने एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसे आपको फुल स्क्रीन में कन्वर्ट कर देना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और लास्ट पॉइंट पे आना है और बैकग्राउंड में जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन स्क्रीन आपको दिख रहा है, इस ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, क्रोमा की पर क्लिक करेंगे, इसे आपको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद कलर की पे आना है और ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसे आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है। अब देख सकते हैं हमारा जो ग्रीन कलर था वो रिमूव हो चुका है। इसके बाद डन करते हैं। डन करने के बाद आपको क्या करना है, जहाँ से आपका ग्रीन स्क्रीन स्टार्ट हो रहा है यानी कि 5.0 या 4.9 के आसपास आना है। इसके बाद लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे सिंपल आपको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं सबसे पहले वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर वीडियो को सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, सिंपल देखना आपको वीडियो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैची के निशान पर क्लिक करेंगे और स्पीड टू प्ले हिट कर देंगे। इस वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, इसे आपको फुल स्क्रीन में कन्वर्ट कर देना है। फिर से वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक कर देना है। अब हमारा वीडियो जब प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद लास्ट पॉइंट पर आना है और देख सकते हैं फिर से हमारा यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद इस वीडियो में आपको देखना हमारा वीडियो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो सेकेंड पार्ट के वीडियो मेरा यहीं से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट हमारा जो कुछ एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देंगे। इसके बाद यहाँ से आपको जहाँ से ब्लैक कलर स्टार्ट हो जाता है इसके सामने जस्ट लेकर आना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, इसे आपको फुल स्क्रीन में कन्वर्ट कर देना है। 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक कर देंगे। अब आपका वीडियो देख सकते हैं कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। तो मैं सबसे पहले एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देता हूं और हमारा वीडियो यहां पे पूरी तरह से तैयार हो चुका है। सेटिंग पे क्लिक करेंगे, आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है। जब आपका जो वीडियो यहां पे आपने ऐड किया है तो इस वीडियो को सबसे पहले ही आपको स्लो मो में ऐड कर लेना है। स्लो मो में कैसे ऐड करना है इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में या फिर इन द स्क्रीन में भी वीडियो देखने को मिल जाएंगे। आप वहाँ से भी देख सकते हैं वीडियो को स्लो मो में कैसे करना है। इसके बाद शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं एक साउंड लिंक दे दूंगा, उसी वीडियो के साउंड पे आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सेलेंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आपको किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं।